अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ तवे पे तंदूरी रोटी। ऐसे ऐसे खाने में लगेगी जैसे हमने तंदूर से मंगवाई है बाजारी रोटी। तो बहुत आसान है, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है, मज़े की। तो ज़रूर बनाइए। जब अक्सर दिल करता है कि हमने रोटी खानी तंदूर की, तो कोई लाने वाला ना हो या तंदूर की रोटी नहीं पसंद कई लोग करते, तो घर में बनाओ ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से। ये मैंने पेड़ा पहले से करके रखा हुआ है, नॉर्मल आटा जैसे घर का गूंथते हैं वो है मेरे पास। तो मैं रोटी की तरह इसे बेल लेना है मैंने। ये रोटी मैंने बेल ली है। तो ये मेरे पास पानी है, इसमें मैंने गीला हाथ करना है इस तरह। ये जिस साइड पे मैं पानी लगा रही हूँ यही तवे की तरफ जाना है। पानी ज़रा अच्छा सा लगाना है कि रोटी चिपके। ये साइड तवे की तरफ जाएगी, जो उल्टी साइड रोटी की बनती है ना, ये वो साइड बननी है। तो इससे पानी ज़रा अच्छा सा लगा के तो मैंने इसे उठाना है और रोटी के ऊपर, वो तवे के ऊपर मैंने ये इसे डाल देना। तवा पहले से नॉर्मल जैसे हम गर्म करते हैं, तवा मैंने वैसे गर्म कर लिया। तो ये उस पर जा रही है, ये हाँ ये साइड तवे की तरफ जाएगी। ये मैंने डाली और हाथ से थोड़ा सा दबाया, ये बहुत अच्छी सी इसके साथ चिपक गई। अब मैंने उठाया, अब ये गिरेगी नहीं, ये मैं ये साइड करती हूँ। चूल्हे को मैंने बहुत हल्का सा करना है, उखड़ ये तवे चिमटे की ज़रा सी उखड़ती नज़र आई है, तो मैंने इसे तवे चिमटे से पकड़ लिया तवे को, तो फिर वो वहाँ दोबारा जम गई है। तो ये बहुत हल्की आग पे मैंने सेकना है चारों तरफ, इसके किनारे भी और सेंटर से भी। तो जो उखड़ी एकदम उखड़ी है वो मैंने चिमटे से पकड़ी है ना, तो वह अब गिर नहीं रही। तो मैं फिर भी इसको ना ऐसे ही रखूँगी और आस्ता आस्ता ही पकती रही, हल्की आग पे, तेज़ भी नहीं। तेज़ पे फिर ये जलना शुरू हो जाती है और कलर भी रोटी का ना अच्छा सा नहीं आता। रोटी बहुत अच्छी सी सिक गई है, तो इसे थोड़ा सा और थोड़ा सा कलर साइड पे दे दूं और हल्की आग पे इसे करना है। तेज पे ये जल सकती है, तो इस तरह करके इसकी एक साइड मुझे लग रही है। थोड़ी चुपके से थोड़ी सी उखेड़नी पड़ेगी क्योंकि चिपक गई है काफ़ी। तो तैयार है तंदूरी रोटी। तो आम तवे भी बनाई जैसे घर के तवे पे बनाते हैं रोटी, उसी पे तंदूरी रोटी। इसके सेक लिया नॉर्मल आटा है, तो ज़रूर बनाइएगा तंदूरी रोटी, तैयार है। ये इसकी पिछली साइड है और ये